अच्छा, मेरे दिन का आगाज कुछ ऐसे होता है। अलार्म बजता है, एक दफा आपका भाई बंद कर देता है, दूसरी दफा फिर बजता है, फिर बंद कर देता आज मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई ऐसा जितना प्लान नहीं था, लेकिन जब मैं उठाऊँ सुबह सुबह तो भाई मौसम इतना अच्छा था कि मुझसे रहा नहीं गया। और लास्ट डे बिल्कुल यहाँ पे सनशाइन थी, कोई स्नोफॉल नहीं थी, कोई स्नोफॉल का बिल्कुल चक्कर भी नहीं था। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं था कर रहा कि इतनी ज़्यादा स्नो हो जाएगी सुबह सुबह। और जब मैं उठा रूम से बाहर आया तो मैंने बाहर स्नो देखी और बस मुझसे रहा नहीं गया कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ। और इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज का। और आज का मैं आपको बताऊँगा कि मेरी इतनी कोई खास रूटीन नहीं है। अभी मैं उठूँ, नाश्ता करूँगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी जाऊँगा, एक दो लेक्चर हैं, थोड़ा सा हैंग आउट करूँगा, हैंग आउट करने के बाद वापस आऊँगा। और ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एस्तोनिया जहाँ पे मैं होता हूँ, नॉर्दर्न यूरोपियन स्टेट में, यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग ने इस रीजन को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया था कि अभी फरवरी एंड होने वाला है, अभी तक कोई स्नोफॉल का कोई चक्कर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बात थी ये यहाँ के लोकल्स के लिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बहुत से लोकल से भी गपशप की थी तो हर बंदे का एक ही बात कहनी थी कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बात है क्योंकि ये लोग यूज्ड टू हैं स्नो स्नो स्नो, हर तरफ स्नो गए। तो फाइनली इनकी दुआएं सुन ली गई हैं और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। और स्नोफॉल सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई स्नोफॉल कल कुछ भी नहीं था और आज ऑलमोस्ट 1 फीट स्नोफॉल पड़ी हुई है। एस्तोनिया के लोग बड़े डिप्रेस थे कि इस दफ़ा स्नोफॉल नहीं हो रही, बेचारे काफ़ी जो भी उन बात करता कहते हैं यार इस दफ़ा स्नोफॉल नहीं हुई, हमारा विंटर सीज़न अच्छा नहीं गुजरा। तो फाइनली उनकी सुन ली गई है और हमारे लिए तो ये काफ़ी टफ मौसम है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, -20 तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है।
आज पता चल रहा है हम लोग फिर एस्टोनिया में, इतनी मजे की बर्फबारी हो रही है और हम लोग आज सही एंजॉय कर रहे हैं। अभी क्लास हमारी फिनिश हुई और आज तो कोई बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होगी। ये देखिए। सो फाइनली आज हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हम लोग जिसका वेट कर रहे थे इतने अरसे से, वो स्नोफॉल आज हम लोग ने देख ली और अब पता चल रहा है कि मैं वाकई किसी नॉर्दर्न यूरोपियन स्टेट में घूम रहा हूँ और हर चीज़ सही स्नो में कवर्ड है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस दफ़ा तो हम लोग शुक्र कर रहे थे कि -20 तक टेम्परेचर नहीं गया क्योंकि इस दफ़ा टोटली अनप्रिडिक्टेबल इनका एनवायरनमेंट था। अक्टूबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है एस्टोनिया में, लेकिन इस दफ़ा स्नोफॉल बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई और अभी तक हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया इस नॉर्दर्न यूरोपियन स्टेट को। सो अब स्नोफॉल नहीं होगी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कल सनशाइन थी यहाँ पे और स्नो का कोई दूर तक नामो निशान ही था और आज आप जहाँ तक देखेंगे आपको स्नोफॉल नज़र आएगी और कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है। ये आप देखें, सही मज़े का मौसम बना हुआ है। अब लग रहा है कि वाकई हम लोग स्नो एंजॉय कर रहे हैं। मोर देन 1 फीट स्नो, स्नो ने समा बांध दिया, जिसे कहते हैं समा बांध दिया। और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है, आज -2 चल रहा है। आई होप सो अगर ऐसी सनशाइन रही तो ये इस स्नो को मेल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो स्नो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं स्नो को एंजॉय करता हूँ। तो अब स्नो देखनी थी वो भी देख लीजिए, तो आई होप इसका चला जाना चाहिए।